हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह आज मैं फिर आपके लिए कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो दिवाली से रिलेटेड है और आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मेरी पहली टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप्स है प्याज को लेके। तो फ्रेंड्स, मैंने एक प्याज लिया है और प्याज का जो दो ये वाला पोर्शन होता है, एक जड़ वाला एक टेल वाला, तो जो टेल वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ से हमें इसे कट करना है। मैं क्यों कट कर रही हूँ, क्या रीज़न है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें कट करना है और फिर इस तरीके से हमें इसमें होल बना देना है, ठीक है। अगर आपको नाइफ से नहीं बन रहा है होल बनाते ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो पोटैटो पिलर होता है आलू छीलने वाला, उससे आप ना बहुत ईजिली ये वाला होल बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिए तो हम रोज़ ही जलाते हैं, दिए के बाद मतलब दिया तो हम जलाते ही हैं, बट एक बार आप प्याज का ये वाला तरीका भी ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके से होल बनाने के बाद ना, इसे अब हमें स्टैंड करना है। तो ये स्टैंड नहीं होता क्योंकि ये यहाँ से ना थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, तो इसके लिए आप नाइफ से कट करके ना इसको इस तरीके से बराबर बैलेंस कर सकते हो, जिससे ये खड़ा हो पाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ना अच्छे से करके, और फिर अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल आप नीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, नीम का ऑयल सबके घर में नहीं होता है, बट जो सरसों का तेल होता है ना, वो सभी के घरों में होता है। तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसके बाद हमें इसमें डाल देनी है फूल की बत्ती, ठीक है। फूल की गोल वाली बत्ती होती है ना, ये ज़्यादा अच्छे से इसमें जलती है, और ये करने के बाद हमें इसे जला देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है ना, हमारे घर में जो मक्खी मच्छर होते हैं ना, वो भाग जाते हैं। और इस ऑयल में आपको थोड़ा सा लौंग का पाउडर और कपूर का पाउडर, ये भी आप डाल सकते हो, मैंने भी डाला था, बट शायद वो वीडियो क्लिप मिस हो गई है। उसके बाद आप इसे जलाइए, और जलाने के बाद आप अपने किचन एरिया में, बेडरूम में, या फिर ड्राइंग मतलब डाइनिंग रूम में, कहीं भी आप इसको रखिए, आप देखोगे ना कपूर और लौंग की ना बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, और ना देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लगता ही ना कि हम प्याज का दिया जला रहे हैं, और बहुत सुंदर खुशबू आती है, और मक्खी मच्छर जो कीड़े मकौड़े होते हैं वो भी दूर भाग जाते हैं। तो एक बार आप इस टिप्स को भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बेहद पसंद आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगली टिप्स तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अभी दिवाली है, और दिवाली के बाद जब हम दिए जलाएंगे ना, तो दिए जलाने के बाद क्या होता है, बहुत सारी जो बत्तियाँ होती हैं वो बच जाती है, और इन बत्तियों को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इन बत्तियों को फेंकने की बजाय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इन बत्तियों को आप किसी भी बॉटल में पहले इकट्ठा करके रख लीजिए, उसके बाद डेली आप दो दो बत्ती एक दीपक में ले लीजिए, और उस बत्ती में आप थोड़ा सा कपूर और लौंग भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप इन दियों को डेली जला सकते हो। इससे क्या होगा, बत्ती का इस्तेमाल तो होगा ही, क्योंकि हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए, हम उसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ना इस दिए को आप कहीं भी जला दीजिए, सिंक में रखिए, कहीं भी रखिए, जो भी बैड स्मेल होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, वो आपके घर से चली जाती है, और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से हम जो पुरानी बत्ती है उसका रीयूज़ कर पाते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, जिससे ना खुशबू भी आती है, और हमारी जो बत्ती है उसका काम भी हो जाता है, और स्पेशली जो सिंक एरिया होती है ना, वहाँ से कोई बैड स्मेल आती है तो वो भी चली जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप्स है चिमटी को लेके। फ्रेंड्स, चिमटी से आपने कभी बाती अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे से ये बाती हमारी रेडी होती है। स्पेशली अगर आप अखंड ज्योत के लिए बाती बना रहे हो ना, तो आप इस मौली के इस्तेमाल से बहुत अच्छी बाती बना सकते हो। इस तरीके से आपको इसको प्लेट में फंसाना है, और जो मौली है, जितनी लंबी आपको अखंड ज्योत की बाती चाहिए ना, उतना लंबा आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, और फिर हाथों की मदद से इसको घुमाते जाइए। अगर आपके पास दो फैमिली मेंबर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प लेके इस तरीके से बना सकते हो, बट अगर आप अकेले ही कर रहे हो, तो आप इस तरीके से चिमटी से, कंघी से, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, कंगन की मदद से, कंगन में भी आप इस तरीके से बांध के बहुत अच्छे से अखंड ज्योत बना सकते हो। तो ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये मौली होती है फ्रेंड्स ना, इसे बहुत अच्छी हमारी अखंड ज्योत की बाती बनती है। तो इस तरीके से आप अपने घर को
अपने घर में अकेले ही काम कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स बहुत सारी बातें बनाने की टिप्स आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है और उससे आपके जो बातें हैं ना बहुत ईजिली बन जाएगी, तो ज़रूर आप ट्राई करना। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी बातें बन गई है, और मैंने दो तीन तरह की बातियाँ बनाई हुई है जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। एक तो मैंने अगरबत्ती से बनाई है बाती, और एक मैंने दूध के हेल्प से बनाई है बाती। तो ये तीनों तरीके की बातियाँ मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया, मैं इस तरीके से बातियाँ बना के रखी हूँ, और वीडियो में और शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारी अगली टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड्स अगली टिप्स है मेरी मिरर को लेके। फ्रेंड्स मिरर को छूते छूते क्या होता है, उसमें दाग धब्बे लग जाते हैं, फिर चाहे वो ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो या सेंटर टेबल का, इसे क्लीन करने का बहुत अच्छा हैक है, आप थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से फैला दीजिए। मेरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, अगर एक्सपायर डेट का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बाद गीला कॉटन लेके या फिर आप उसमें आप ना स्पॉन्ज गीला करके आप इस तरीके से पोंछ सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी यही तक थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कोई सुझाव हो आपके पास तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे हम फिर किसी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वीडियो कैसी लगी, आपकी फेवरेट टिप्स कौन सी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने बाती बनाने की वीडियो शेयर की हुई है लास्ट वाली वो आप ज़रूर देखिएगा, आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आज दिवाली है और दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए कल फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय विद योर फैमिली, बाय बाय।